हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रमेश शर्मा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था कि राउटर्स क्या होती है, इसकी रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लेयर टू एंड लेयर थ्री स्विच। तो चलते हैं हम लेयर टू एंड लेयर थ्री स्विच के ऊपर। फर्स्ट, इसमें भी हमारे पास दो टू पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट कवर करेंगे लेयर टू। तो लेयर टू स्विचेस क्या क्या फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या हम यूज़ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक है मैक एड्रेस लर्निंग, ठीक है। बेसिकली मैक एड्रेस क्या होता है कि हर किसी फिजिकल डिवाइस का, जो भी डिवाइस है उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। जो भी नेटवर्क डिवाइस है, इधर ये आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वर्क स्टेशन है, सर्वर है, राउटर, स्विच, फायरवॉल, या फिर एन नंबर ऑफ डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस है, किसी भी टाइप की जो डिवाइस होंगी उसके ऊपर एक फिजिकल एड्रेस होगा, उसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये बेसिकली 48 बिट का होता है, ठीक है। और ये हर डिवाइस के साथ ऑलरेडी जो है प्रीबिल्टेड होती हैं। अब ये लर्न कैसे करता है, लर्न भी करेगा, कोई कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करेगा जिससे मैक एड्रेस लर्न करेगा। बेसिकली मैक एड्रेस लर्निंग से मतलब ये है हमारा कि कोई भी डिवाइस अगर कनेक्टेड है, सपोज करते हैं हम एक ये हमारा स्विच है, और ये हमने एक पीसी कनेक्ट कर रखी है, और एक दूसरा पीसी कनेक्टेड है, और एक और तीसरा पीसी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसका मैक एड्रेस है ए ए, ये है बी बी, और ये है सी सी, ठीक है। मतलब एक नाम है इसका, जो फिजिकल डिवाइस का नाम होता है। जैसे कि फिजिकल डिवाइस, इसका मतलब मेरा यहाँ पर इससे है कि जो इथरनेट है, इसके इथरनेट पोर्ट है, जिसको हम नॉर्मली लैंड पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। लैंड पोर्ट जो है उसका एड्रेस होता है 48 बिट का है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे। तो क्या करता है, अब जैसे खुद का एड्रेस तो सबको पता है, खुद का नाम सबको पता है, तब ये नेक्स्ट क्या करेगा कि दूसरे किसी और सिस्टम का या पीसी का इसको मैक एड्रेस जानना है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये एक आर्क जनरेट करेगा, ठीक है। आर्क जनरेट करेगा, स्विच के पास भेजेगा, स्विच क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। एक पैकेट यहाँ भेज देगा, एक पैकेट यहाँ भेज देगा, ये यहाँ से एक ही पैकेट निकलेगा। मत स्विच क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सामने वाले का मैक एड्रेस जानना है। सपोज करो मुझे बी के साथ कम्युनिकेशन करना था, ए वांट्स टू कम्युनिकेट बी, ए वांट्स टू कम्युनिकेट टू बी बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इसके पास तो फर्स्ट खुद का सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक तो है, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। सोर्स मैक तो पता है इसको कि भैया मेरा ए ए है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी फिलहाल वो लर्न करेगा, मैक एड्रेस उसको पता नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ एक और चीज़ होती है, जब भी मैक एड्रेस और आर्क रिक्वेस्ट जनरेट होती है, तो वहाँ पे एक आपका आईपी एड्रेस भी काम में आता है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, डॉट वन है इसका आईपी एड्रेस, है 1.2 इसका आईपी एड्रेस, है 1.3। तो ये 1.2 से कम्युनिकेट करना चाह रहा था, इसका खुद के पास है 1, और ये कम्युनिकेट करना चाह रहा था 1.168.1.2 के साथ। 2 का आप क्या चाहिए, 2 का उसका दो चीज़ पता है कि भैया जाना तो मुझे 2 के ऊपर है, और बट मुझे उसका मैक एड्रेस नहीं पता। तो स्विच क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें अंडरस्टैंड करने में कि इसका मैक एड्रेस क्या है, वो कैसे लर्न करेगा। आर्क रिक्वेस्ट जैसे ही जनरेट करेगा, फर्स्ट टाइम आर्क रिक्वेस्ट जैसे ही जनरेट किया स्विच ने, पीसी ने, जो ए डिवाइस है, जो ए यूज़र ए ए है, उसने जैसे ही हिट किया बी के लिए, एक आर्क रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो स्विच के पास गया, स्विच ने किया उसको ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करने के बाद एक पैकेट इस पे चला गया, इस इंटरफेस पे, एक पैकेट इस इंटरफेस पे चला गया। और भी अगर एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है, सपोज करो 24 पोर्ट के स्विच हैं, तो इसके अलावा जो 23 और जो डिवाइसेस कनेक्टेड उनके पास जाएगा। वो डिवाइस क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। ये क्या पूछेगा, भैया कौन हो, 1.2 कौन है। तो ये बोलेगा फर्स्ट में, तो ये बोलेगा, मना कर देगा, तो ये बोलेगा कि मैं हूँ। लेकिन इसी टाइम क्या करेगा कि मेरा मैक एड्रेस भाई साहब सीसी है, आप नोट कर लो, और मेरा उसके साथ आईपी एड्रेस भी अपना दे देगा। तो फिलहाल मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैक टेबल। तो सपोज करो ये हमारा FA0/1 है, ये FA0/2 है, ये FA0/3 है, ठीक है। तो एक टेबल क्रिएट करेगा, खुद के अंदर एक डेटाबेस बनाएगा, जिसमें इंटरफेस के साथ
जैसे इंटरफेस है FA0/1, FA0/2, FA0/3, इसके साथ मैक एड्रेस बाइंड करेगा, AA कनेक्टेड है, दूसरा FA0/2 के साथ BB कनेक्टेड है, थ्री के साथ CC कनेक्टेड है। इसी टाइप से वो जितने भी मैक एड्रेस आएंगे वो बाइंड कर लेगा खुद के ऊपर, ठीक है। यही है मैक एड्रेस लर्निंग। बाय डिफॉल्ट सिस्को के ऊपर, सिस्को डिवाइस के ऊपर 4 घंटे तक मैक एड्रेस रहता है। आप चाहो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। ये हमारे हाथ में कि हमें कैसे करना है उस चीज़ को चेंज। अब जैसे कि आपको मैं अगर मैक एड्रेस दिखाता हूँ, तो मैं अपने खुद के सिस्टम का दिखाता हूँ, CMD। और चलते हम IP config /all, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैक एड्रेस मिलेंगे मुझे, जैसे PC का नेम है, और यहाँ पे प्राइमरी DNS अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन है। अननोन एडेप्टर है एक जो मेरा ओपन VPN के लिए है, और एक है मेरा अननोन लोकल एरिया नेटवर्क जो कैस्पर्स की VPN के साथ है, एक अननोन एडेप्टर है जो ओपन VPN के साथ है, टैप विंडोज 6, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि आपको एक फिजिकल एड्रेस मिल रहा है, यही फिजिकल एड्रेस है जो है वो मैक एड्रेस कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। एक और जो है हमारे पास ओपन VPN के साथ है, इसके साथ कुछ नहीं है। एक है हमारा लोकल एरिया कनेक्शन 1, ये कौन सा है, वायरलेस वाला जो मेरे पास इसके सिस्टम के ऊपर, आपको मैं ये भी दिखा दूँ, NCPA.CPL, ये है। यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल एडेप्टर्स हैं, सभी की कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसकी मैक एड्रेसेस होंगी, ठीक है। इसी इसी हिसाब से हम चलते हैं वायरलेस लैन के साथ अलावा। ये मेरा वायरलेस लैन दूसरा वाला है, एक और कनेक्टेड है, एक ब्लूटूथ का होगा और एक होगा डायरेक्टली वाईफाई का, ठीक है। और इसके साथ देखेंगे हमारे पास इथरनेट एडेप्टर है जिससे मैं भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप देखो DHCP इनेबल्ड है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस दिखाई रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रियल टेक का PCI गीगाबिट इथरनेट फैमिली कंट्रोलर के, रियल टेक का जो है लैन कार्ड है, ठीक है। IP एड्रेस मुझे दिखा दिया, प्रेफर्ड क्या है, मेरा IPv6 लिंक लोकल एड्रेस भी दिखा दिया इसने, ये कब से चल रहा है, 16 अगस्त को लिया था इसने, कब तक लीज पे रहेगा, 24 तक, मैं दोबारा रिन्यू करूँगा दोबारा हो जाएगा, टाइम बता रहा है। इसके साथ ही हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रहा है किसके लिए, IPv6 के लिए, ठीक है। IPv4 का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, DHCP6 ये है, IPv6 क्लाइंट UID ये है, ठीक है। इसके साथ अगर आपको देखेंगे तो IPv6 DNS, तो बेसिकली फ़िलहाल हम IPv4 के साथ ही चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम चलते हैं नेटवर्क अडेप्टर, IPv6 इसलिए डिसेबल करूँगा क्योंकि कभी कभी मेरे को, हमें इस नेटवर्क में इशू भी आता है, ठीक है, IPv6 एक्चुअल में काम नहीं करता है। तो हम करते हैं IP config/renew, मैंने रिन्यू किया, ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे अपना जो है IP एड्रेस DHCP से दोबारा कम्युनिकेट करेगा। बट अभी तो फ़िलहाल मुझे भी पता है कि एक पे ही IP एड्रेस मिलने वाली है और वो है 2.6, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा वही सेम कमांड चलाते हैं 2.6 के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 2.6 के साथ सिर्फ हमारे पास IPv4 एड्रेस मिल रही है, ठीक है। IPv6 हमने डिसेबल इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी IPv6 का कुछ है नहीं ऑप्शन, बिकॉज मेरे पास कोई ना तो राउटर पे कन्फिगर्ड है ना ही DHCP कन्फिगर्ड है, वो लिंक लोकल खुद का ले रहा था। तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस मिल गया, यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल गई, सबनेट मिल गया, गेटवे मिल गया और इसके DNS कौन से कन्फिगर्ड है, प्राइमरी विन सर्वर कौन सा है 2.1, नेट बायस ओवर TCP/IP इनेबल्ड है। सिमिलरली आप अगर देखोगे तो IPv6 के साथ कन्फिगर्ड है हमारा नेटवर्क VMware Adapter 1, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो VMware Adapter 1 है ये मेरा, तो ये भी कन्फिगर्ड है। इसी तरह से सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और यही जो फिजिकल एड्रेस है उसी को हम बेसिकली मैक एड्रेस बोलते हैं। आपने देखा ये, अब मैंने बताया यहाँ पे कि 4 टाइम 3 ऑक्टेट के अंदर बटा हुआ है, बट यहाँ पे आपको कहीं जगह 6, जैसे 60-E3 है, यहाँ पे कॉलन भी मिल सकता है। तो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग टाइप से चलती है। तो ये था मैक एड्रेस लर्निंग, कैसे लर्न करता है। लर्न
करता है आपका, जब एक स्विच, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है और उसके पास अगर एड्रेस नहीं है, तो स्विच अपना क्या करता है, जब भी कोई ब्रॉडकास्ट आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तब ब्रॉडकास्ट पैकेट शेयर करता है और सामने वाले से बोलता है कि आप अपना मैक एड्रेस दे दो, सो दैट कि वो अपने टेबल के अंदर फिल कर लेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, कभी कभी स्विच क्या करता है, खुद ही जैसे डिवाइस कनेक्ट होता है तो आपस में नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है। तो नेगोशिएशन स्टार्ट करने के बाद वो हमारा मैक एड्रेस जो है वो इजीली लर्न कर लेता है। अब उसके पास मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, अगर यहाँ पे कोई डीएचसीपी चल रहा है, आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल की चीज़ें चल रही हैं, जैसे डीएचसीपी है या फिर कुछ और है, तो उसके साथ भी एसोसिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मली मैक कैसे लर्न कर। अब दूसरा आता है हमारा फ्रेम फॉरवर्डिंग। फ्रेम फॉरवर्डिंग क्या होता है, अब सपोज करो इस हमें यहाँ पे मैक एड्रेस तो मिल गया, बट अब इसको क्या करना है कि आगे आगे फ्रेम भी स्विच करना है, वो कैसे करेगा, उसके लिए नॉर्मली क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास स्विच है, स्विच के ऊपर डिवाइस वापस से हम बनाते हैं, ठीक है, AA 1.1, BB 1.2, CC 1.3। अब फ्रेम आई इसके पास, फ्रेम को कैसे फॉरवर्ड करेगा, ए वांट्स टू कम्युनिकेट BB, ठीक है, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा, आईपी एड्रेस भी है, सब कुछ है इसके पास। तो अब फ्रेम आया, अब वो क्या करेगा, दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मैक एड्रेस टेबल है। ठीक है, वो चेक करेगा कि अच्छा ये FA0/1 से आया था और FA0/1 पे क्या कनेक्टेड है, FA0/1 पे कनेक्टेड है AA, FA0/2 पे कनेक्टेड है BB, इसका आईपी एड्रेस है 1.1, इसका आईपी एड्रेस है 1.2। अच्छा ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है 1.2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैकेट उठा करके यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से पता है स्विच को कि मेरे पास जो है एक इंटरफेस के ऊपर एक आईपी है जो है 1.1, दूसरे इंटरफेस के आईपी है FA0/2 के ऊपर वो है 1.2, तीसरे के ऊपर है 1.3, तो दिक्कत नहीं आएगी। वो इजीली डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन से सोर्स जो सेंडर है और डेस्टिनेशन वो है जो रिसीवर है, ठीक है, तो रिसीवर के पास इजीली वो सेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपस में दोनों कम्युनिकेट कर देंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चलता है नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ पहले। तो अब हमारा है थर्ड वाला टॉपिक, ब्रॉडकास्ट एंड अननोन यूनिकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट अभी जैसे आर्प के सिनेरियो में था हमारे पास FA0/1, FA0/2, FA0/3, ये सी है, ये बी है, ये ए है, चलिए मैं वापस से लिख देता हूँ 1.1, 1.2, 1.3। तो अब ब्रॉडकास्ट क्या था, ब्रॉडकास्ट सपोज करो कि हमारे पास एक वीलैन कन्फिगर्ड है और उसके अंदर जब जैसे ही हमारा सपोज करो VLAN 1 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है, इसके अंदर जैसे ही यूज़र जो भी यूज़र कनेक्टेड है वो जब भी कोई पैकेट भेजेगा तो वो उस वीलैन के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा, तो अभी बाई डिफॉल्ट VLAN 1 कन्फिगर्ड है। अननोन यूनिकास्ट क्या है, सपोज करो एक और स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके आगे भी एक और स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मैक एड्रेस, एक पीसी है जिसका है मैक एड्रेस ZZ और इसकी आईपी है 255, सॉरी 235, ऐसा करते हैं 255 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब इस स्विच को पता नहीं है, इस पीसी को पता नहीं है, तो ये क्या करेगा, अननोन ब्रॉडकास्ट फ्रेम, अननोन ये है, ये हमारे लिए अभी अननोन हो गया क्योंकि ये दो स्विचेस के बाद है, तो एक ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, ये हर बार जैसे यहाँ से निकले ट्रैफिक उसको आगे जाना है, ठीक है, और ये क्या करेगा कि बार यहाँ से निकला ट्रैफिक, स्विच ने देख चेक किया, स्विच को नहीं मिला, यहाँ पे इस ट्रंक पोर्ट पे भेज दिया, इसने इसके पास भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन सब पे भेजा, फिर ये इस स्विच पे पहुंचा, यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, यहाँ से मान लो कोई और स्विच कनेक्टेड है तो वहाँ पे भी जाएगा, ये क्या करेगा, हमारे नेटवर्क के अंदर जो है एक कनेक्टिविटी को स्टेबल नहीं होने देगा, इन द सेंस कि जो भी उस वीलैन का मेंबर है उसको वो सबको हिट करेगा, क्यों, क्योंकि उसको ये कम्युनिकेट करना है कि 235 है कौन सा,
तो लास्ट में उसको मिलेगा तो सही, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है, सेम वीलैन के अंदर है, तो ये क्या करने अननेसेसरी पैकेट फ्लो फ्लड करेगा नेटवर्क के अंदर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको डिसेबल कर देंगे फ्लडिंग को, तो वो हमारा इजीली यहाँ पे रुक जाएगा। बट ये होता है अननोन यूनिकास्ट, मतलब जो हमें पता ही नहीं है उसको उसके लिए अननोन है, तो एक यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा जो कि अननोन आईपी एड्रेसेस के लिए होगा और अननोन मैक एड्रेस के लिए होगा, जो मैक एड्रेस वो जानता ही नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस तो उसको पता है 235 के ऊपर जाना है, बट उसका मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस तो जानना पड़ेगा ना इसको अपने डेटाबेस के अंदर एंट्री रखने के लिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी पैकेट आएगा तो वो यहाँ पे फ्लड करेगा, डायरेक्टली उसको पता रहेगा कि ठीक है ये वाला स्विच 2 से कनेक्टेड है और ये स्विच 3 से कनेक्टेड है, तो ये वाला लिखेगा कि हाँ भाई ठीक स्विच 2 से आ रहा था, इस वाले इंटरफेस पर आ रहा था, जैसे आएगा इस ट्रैफिक इसको इस इंटरफेस पर भेज देगा, इस इंटरफेस पर आएगा इस स्विच के पास आ गया, स्विच क्या चेक करेगा, अच्छा ये तो मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास भी एंट्री नहीं है, ये तो इस वाले इंटरफेस से आ रही थी तो ये इस वाले इंटरफेस पे भेज देगा, लास्ट में वो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि हर बार जब भी कोई नया नया पीसी कनेक्ट होगा या फिर जब भी नई डीएचसीपी रिलीज आएगी या फिर जब भी मैक एड्रेस हमारा दोबारा से एसोसिएट होगा बाइंड होगा, तो ये चीज़ सिनेरियो चलता रहेगा। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कन्फिगर करके कि हमें अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग नहीं होने देना नेटवर्क में। तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट चलते हैं फ्रेम फिल्टरिंग, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, फिर हम चलते हैं फ्रेम फिल्टरिंग पे। अब हमारा है फ्रेम फिल्टरिंग क्या करेगा, यहाँ पे एक स्विच है, फिलहाल हम स्विच का ही कंसेप्ट ले रहे हैं, बार बार आप सोचोगे कि स्विच ही क्यों आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, स्विच के ऊपर ही ऑलमोस्ट अभी हमारा नेटवर्क चलने वाला है, ठीक है। सी ये स्विच है, अब क्या करेगा, फ्रेम फ्लडिंग है, फ्रेम फ्लडिंग में दो चीज़ चाहिए, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। जब सोर्स पीसी ने सपोज करो, अब एग्जांपल लेते हैं बी को, बी को कम्युनिकेट करना है आगे, तो अगर बी को कम्युनिकेट करना है सी के साथ, ठीक है, तो इसको पता है कि सोर्स मैक एड्रेस मेरा बी भी है और अभी हमारे पास मैक एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी है, मैक टेबल कन्फिगर्ड है, उसको इंटरफेस पता है कि ये है सीसी, इंटरफेस कौन से है FA0/2 FA0/3 के ऊपर, तो ये क्या करेगा, अननेसेसरी पैकेट अब भेजना ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, फ्रेम फ्लडिंग को फ्रेम को फिल्टर करेगा, सोर्स के ऊपर तो नहीं करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर, कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पता है सीसी के ऊपर जाना है, सीसी कहाँ पे है, FA0/3 के ऊपर, 0/3 के ऊपर है, 0/2 से पैकेट निकलेगा सीधा वहाँ चला जाए, यहाँ भेजना ही नहीं उसने वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फालतू भेज करके वो सीपीयू कंजम्पशन यूज करेगा, रैम यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, बैंडविथ को यूज करेगा, सपोज करो हमारे पास एक ट्रंक पोर्ट भी है तो वहां पे भेजेगा, जरूरत नहीं है ना उसको भेजने की, क्यों जाना है उधर, जिधर जाना ही नहीं उसको भेजेगा ही नहीं, क्यों, ये क्या करेगा, ये अपना मैक टेबल चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट जो है पैकेट फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पे, FA0/3 के ऊपर, सेम चीज करेगा कोलिजन डोमेन को आइसोलेट कर देगा, कोलिजन क्या होता है बेसिकली, अब ये सपोज करो एक इंटरफेस है, ठीक है, एक वीलैन के अंदर कन्फिगर्ड है, ये बार बार क्या करेगा, सेम चीज होती हैं कि आपको बार बार ये ब्रॉडकास्ट मल्टीपल मल्टीपल कॉलिजन करता रहेगा, बार बार बीच में इंटरप्शन करेगा, वो क्या करेगा हमारे नेटवर्क को अनस्टेबल कर देगा, जैसे कि पहले हब हुआ करती थी, जो आज के डेट में छोटे छोटे स्विचेस देखने को मिलेंगे आपको, उस टाइप के स्विचेस होते थे, वो बार बार क्या करता था, हर बार पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता था, उस चीज़ों को रोकने के लिए है ना कॉलिजन डोमेन क्रिएट करेगा खुद का, हर पोर्ट के ऊपर अलग अलग कॉलिजन कर लेगा और उस चीज़ को इम्प्रूव उससे क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो जाएगा और कॉलिजन क्या होगा रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन वीलैन सपोर्ट करता है, L2 स्विचेस डेफिनेटली वीलैन करेगा, क्योंकि जब आती है बात तो आती है वीलैन, स्विच का स्विच के ऊपर नॉर्मल सा सीन होता है कि आपका वीलैन है, वीलैन इन द सेंस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो विलेन है, विलेन सपोर्ट करता है, इसमें विलेन क्या करता है कि एक हमारा स्विच है और 24 पोर्ट का स्विच है, हमारे पास चार ब्रांच है, सेल्स एडमिन और ये है सिक्योरिटी और ये है हमारा गेस्ट। अब हमने क्या कर रखा है कि 4 को हमने चार पार्ट में बांट रखे हैं, तो हम इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 4, 8 8 पोर्ट का फिलहाल हमने कर दिया, सॉरी 6 6 पोर्ट, 6 6 पोर्ट्स हमने बांट दें, 6 6 6 6,
तो इसको हमने एसोसिएट कर दिया एक डिफरेंट डिफरेंट विलेन से, तो आपस में क्या करेगा कि सेग्रीगेट हो गए। अब सपोज करो कि सेल्स वाला बंदा है, उसको सेल्स वाले बंदे से ही कम्युनिकेट करना है, तो वो ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो खुद के विलेन के अंदर एक खुद का उसका सेपरेट नेटवर्क होगा, उसके अंदर वो अपना कम्युनिकेशन करेगा, और उसको बाहर ईजिली जब भी इसको जाना होगा आपस में कम्युनिकेशन करनी होगी किसी और पीसी से, या कोई और सिक्स पर्सन है जैसे फर्स्ट वाले ने किया, सेकंड वाले से बात करनी है, तो आपस में वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा। और बाकी जो पोर्ट है उसके ऊपर हमारा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट ना यूनिकास्ट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ईजिली सिर्फ 6 लोगों के पास ही आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगी। सिमिलर सेल्स के साथ भी है, सिमिलर एडमिन के साथ भी है, सिक्योरिटी के साथ भी है, और गेस्ट के साथ भी है। वो गेस्ट यूज़र से ही कम्युनिकेट कर पाएगा, सिक्योरिटी यूज़र से ही कम्युनिकेट कर पाएगा, और एडमिन यूज़र से ही कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा लूप प्रिवेंशन। अब लूप प्रिवेंशन क्या है, लूप प्रिवेंशन तब होता है जब अपने पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं, ठीक है, मल्टीपल स्विचेज हैं। इसको थोड़ा और क्लीन कर लेता हूँ मैं। मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड है, ये सारे स्विचेस हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा कि लूप को प्रिवेंट कैसे करेगा, अब यहाँ से सेम, अब एक काम करते हैं, एक पीसी हमने यहाँ पे लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है, और एक यहाँ पे लगा रखा है। मैक एड्रेस ले लेते हैं इसका फिलहाल के लिए, वही AA BB सी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं करना, अब ये करेगा, परेशान कहाँ होगा, ये आकर के यहाँ पे रुकेगा कि जैसे ही लूप बनेगा, लूप कैसे बनता है पहले तो लूप समझना पड़ेगा। इसने पैकेट भेजा, यहाँ सिंगल वीलैन कन्फिगर्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी VLAN 1 है, VLAN 1 है। अब ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा इस पैकेट, इस पे भी भेजेगा, फिर इस स्विच के पास आया, एक यहाँ भेज देगा। अब देखना आप क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ से निकला पैकेट, निकला इस स्विच के पास गया, एक यहाँ से पैकेट निकला इस स्विच के पास गया, इसने भी ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है। अभी हम अलग अलग पेन यूज़ करेंगे अदरवाइज। अब यहाँ पे ये पाला यहाँ पहुँच गया, और सिमिलरली ये वाला एक और स्विच से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी पहुँच गया। चलो भाई तीनों जगह पहुँच गया। अब क्या करेगा, ये वाला स्विच क्या करेगा, 2 से कनेक्टेड है स्विच से, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, और एक पीसी पे भेज दिया। चलो पीसी को छोड़ो, अभी इन दोनों के पास आ गया, और इसके साथ क्या हो गया, ये स्विच के पास आ गया, एक वापस इसने स्विच के पास भेज दिया, एक इस स्विच के पास भेज दिया, और ये वाला स्विच भी क्या करेगा, अब कुछ तो करेगा नहीं, ये भी करेगा एक काम, ये भी करेगा। अब ये वाला क्या है, इसके पास आ गया था फ्लड, ये एक इसके पास भेजा, एक इसके पास भेजा, और एक वापस एक इस पीसी के पास भेज दिया। अब ये क्या हो रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। मतलब सपोज करो ये हमारा 1 Gbps का लिंक था, ये कुछ मिनटों के बाद क्या करेगा कि ये आपस में ऐसे ऐसे घूमते 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 पैकेट फ्लड करेगा, क्योंकि जैसे इसके पास वापस आएगा, ये वापस चेक करेगा, वापस भेज देगा, फिर इसके पास आएगा, ये वापस इन दोनों के पास भेज देगा, फिर इसके पास आएगा, ये भेज देगा, ये इसके पास भेज देगा। अब ऐसे करते करते ये एक बहुत बड़ा लूप क्रिएट कर लेगा। लूप क्रिएट होते ही क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ जो है इंटरफेस का वो कंज्यूम हो जाएगा, लास्ट में जाकर के 0 हो जाएगा, फिर हमारा नेटवर्क क्या होगा, रिसेट हो जाएगा। अब ये होगी समस्या कब, जब हमारे पास सपोज करो कि मल्टीपल स्विचेज आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, उस केस में हमारे पास समस्या होगी। बट इसको भी हम रोक सकते हैं, कैसे, हम उस पर STP कन्फिगर कर देंगे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर लेंगे। एक होता है QoS, QoS क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, विलेन सपोर्ट करता है लूप प्रिवेंशन, और लास्ट है हमारा टॉपिक QoS। QoS क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब इन केस सपोज करो कि हमने एक क्या कर रखा है, 1 Gbps का लिंक है हमारे पास, 2 स्विच हैं, दोनों के बीच में 1 Gbps की जो केबल है हमने कनेक्ट कर रखी है, बट हमने क्या कर रखा है ना, उसके ऊपर बोल दिया कि 80% पे जाती है ना, आप ट्रैफिक रिसेट करने लग जाओ, 80% ही ट्रैफिक रखो, ताकि 20% हमने रिजर्व कर लिया। इस टाइप की कन्फिग्रेशन हम करेंगे स्विच के इंटरफेस के ऊपर, उससे क्या होगा कि हमारे पास, और क्योंकि डेटा का तो ठीक है, जब वीडियो वीडियो की कॉल की बात आएगी, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आएगी, उस केस में हमारे पास दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको यहीं पे रोकेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है 80% तो डेटा के लिए रख लेते, 20% हम उसके लिए रख लेते रिजर्व, बिकॉज ऑफ रीजन UDP के लिए, ठीक है, वो सीधा पैकेट अपना कम्युनिकेशन करेगा, या फिर हमारे पास वॉइस के लिए रख लेते हैं, वॉइस एंड वीडियो के लिए।
कि जब भी इसके कॉल आएंगे या इसके ट्रैफिक आएंगे तो 20% यूज़ करेगा, बाकी 80% इसके लिए, या फिर आप सेग्रीगेट कर सकते हो 50-50 का, आपके हिसाब से, अपने हिसाब से हम कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्विचिंग L2 के ऊपर। L2 जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया, L2 जो है अपना डेटा लिंक के ऊपर काम करता है, और डेटा लिंक लेयर कौन सा है? लेयर 2, इसीलिए इसको L2 बोलते हैं। अब जब हम L3 पढ़ेंगे तो वो चलता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में हमारे पास IP एड्रेसेस और बाकी चीज़ें भी आती हैं, राउटिंग भी काम में आता है, बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तो राउटिंग के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। तो राउटिंग इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो राउटिंग के ऊपर चलेंगे। तो राउटिंग जब काम आएगा हमारा, वो है L3 के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने इस टॉपिक में देख लिया मैक एड्रेस लर्निंग क्या होती है, फ्रेम फ्लडिंग कैसे होता है, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड अननोन यूनिकास्ट, फ्रेम फिल्टरिंग, कॉलिजन डोमेन आइसोलेशन, उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, वीलैन सपोर्ट, लूप प्रिवेंशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अगले वीडियो में, वो होगा L3 स्विच। तब तक के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है, networkingscholar.com। आप यहाँ पे जाएंगे, फ्री में आप इनरोल करिए, CCNA का जो बैच है वो आपको हिंदी में मिलेगा, और इसके ऊपर ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ साथ ही जो भी इसके साथ हमारे पास PDF और कंटेंट्स होंगे, बुक्स होंगी, वो यहाँ पे मिल जाएगी। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप नॉर्मली YouTube पे जाएंगे, YouTube पे आप सर्च करेंगे नेटवर्किंग स्कॉलर, ठीक है। आप जैसे नेटवर्किंग स्कॉलर सर्च करेंगे, आपको ये हमारे चैनल पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको जस्ट सब्सक्राइब करना, और कुछ करना नहीं, आप सब्सक्राइब करिए, आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी। बस आपको ये करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और एटलीस्ट बेल आइकन ऑन रखिए जो, सो दैट की मिल जाएगा। और इसमें हम सारी चीज़ें वो रखेंगे, जैसे कि हम नए VM डिप्लॉय कैसे करते हैं, कोई एप्लीकेशन है, तीन टाइप के एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे, EVNG, पीनट लैब एंड एक करेंगे हम सिस्को का पैकेट ट्रेसर, वो भी एप्लीकेशन मैं आपको दे दूंगा। नेटकैट अकाउंट को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जैसे हम लैब के सेक्शन में चलेंगे तो आपको पीनट लैब के ऊपर भी मिल जाएगा, और CCNA की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ साथ ही जब वो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम आपको लाइव लैब एक्सेस भी देने वाले हैं, उसके ऊपर हमारी टेस्टिंग चल रही है, और जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव लैब एक्सेस भी प्रोवाइड कराएंगे। अब ये करते हैं कि हमारा फर्स्ट बैच जो है हमने रखा है 500 यूज़र्स के लिए, 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतनी ही जल्दी हम इस चीज़ को लॉन्च करेंगे, सो दैट कि हमारा यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए, और हमारा क्राउड अच्छा हो, क्वेश्चन हमारे पास अच्छे आए, मल्टीपल क्वेश्चन सभी के माइंड में आए, मल्टीपल चीज़ें पूछी जाए। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे networkingscholar.com के ऊपर जो हमारा प्लेलिस्ट कोर्स है उसको जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज ये फ्री है, आपको कोई कॉस्ट देनी नहीं है। लैब के लिए हम सोचेंगे कि करना क्या है, कैसे क्या स्टेबल करना है, वो भी टेस्टिंग चल रही है, ऑलमोस्ट डन है, बट वही है कि हम 500 यूजर स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा हम इसको भी लॉन्च करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।